हम वापस आएंगे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी वोकैबुलरी का ही है और वो है हमारा क्लूज अवेलेबल एट ए सीन। किसी दृश्य को देख करके जो क्लूज अवेलेबल होते हैं, सुराग अवेलेबल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सरकमस्टेंशियल कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, इन्फ्रेंशियल कहते हैं, सजेस्टिव कहते हैं। चारों के चारों वर्ड्स को हम आंसर में सीखने वाले हैं। जो क्लूज किसी चीज को, किसी चीज के बारे में क्लू दिया जाता है तो हम उसको सरकमस्टेंशियल कहते हैं। यानी सरकमस्टेंशियल का मतलब है कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ये काम हुए। सरकमस्टेंसेस परिस्थितियां, सरकमस्टेंशियल वे चीजें जिनके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, यानी सुराग, यानी विस्तार से बताया हुआ कोई चीज। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स दैट स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट समथिंग इज ट्रू बट डू नॉट प्रूव इट। कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल जो इस तरह से इस उद्देश्य के से दी जाए कि कोई काम समथिंग इज ट्रू, कोई चीज सच है, बट नॉट प्रूव इट, लेकिन कोई व्यक्ति इसको प्रूव नहीं करता है। सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है क्लूज, सुराग। नया वर्ड है, आप जरूर पढ़ना इसको। इसके बाद नया वर्ड आता है डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव बना डिराइव से, DERIVE, डिराइव। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से निकालना। जैसे आप कह दें किसी पैराग्राफ के अंदर से आप कोई वर्ड निकाल रहे हैं तो वो वर्ड डिराइव कर रहे हैं हम उससे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पेंडीमोनियम, पेंडीमोनियम। पेंडीमोनियम डैमन, इसका डैमन है, पैन है और IUM है, तीन मॉर्फीम से मिलके बना है। तो हम ये कह देंगे जैसे ये पैन है, पैन से अगर मैं लिख दूं पैंथीज्म, तो इसका मतलब है ये जो पैंथीज्म है ये डेरिवेटिव है पैन का, यानी पैन से ही बना, पैन से ही लिया गया है पैंथीज्म। या जैसे मैं बात करूं ये थीज्म है, इसमें थीज्म, तो थीज्म है, इसके अंदर है थियो, और थियो आता है गॉड के लिए, देवता के लिए। तो हम ये कहते हैं पैंथीज्म है, ये डेरिवेटिव है थियो का, थियोस का, यानी जो ग्रीक वर्ड है डेरिवेटिव मतलब टेकन फ्रॉम, जो लिया गया हो किसी से, डेरिवेटिव यानी मूल से उत्पन्न यौगिक शब्द, यानी जो मेन मूल वर्ड हो और उससे कोई बना हुआ दूसरा शब्द। टेकन फ्रॉम समथिंग एल्स, नॉट हैविंग न्यू और ओरिजिनल आइडिया। एग्जाम्पल है जैसे वर्ड है हमारा मैग्नेनिमस, एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने दिया मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब है बड़े दिल वाला। अब मैग्नेनिमस ये डेरिवेटिव है, दो शब्दों से मिलकर बना है, वो शब्द क्या क्या है इसके अंदर है, इधर डेरिवेटिव ऑफ मैग्नस, मैग्नस वर्ड का डेरिवेटिव है, इन मैग्नस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। एंड दूसरा वर्ड है एनिमस, एनिमस का मतलब होता है सोल, आत्मा, जिसकी बड़ी आत्मा हो या बड़ा दिल हो, यानी बड़े दिल वाले को मैग्नेनिमस कहते हैं। और यहां एक और वर्ड याद करते चले, छोटे दिल वाला, एक छोटी सोच वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं पुसेलिन एनिमस, पुसेली, पूसी, पुसेलिनेमस, छोटे दिल वाला, मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाला, पुसेली एनिमस, छोटे दिल वाला, मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाला। स्पेलिंग भी आप दोनों की याद कर लेना, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अनुमानिक, अनुमानिक का मतलब होता है इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना किसी चीज का, इन्फ्रेंस अनुमान लगाना किसी का, किसी चीज के, किसी का गैस वर्क करना, उसे बना है इन रिलेटिंग टू और हैविंग
नेचर ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब गैस, गैस करना, गैस से संबंधित अर्थात अनुमान से संबंधित इन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अचानक से खूब अच्छे भाग्य का आगमन हो जाना, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड उम्मीद भी नहीं थी, किसी चीज की उम्मीद नहीं थी और कहीं से कोई विंडफॉल हो गया, कहीं से अचानक से पैसा हो गया आ गया और उम्मीद नहीं थी, तो हम उसको कहते हैं विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब हो जाता है ऊपर वाला देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये छप्पड़ फट करके जो अचानक से पैसा आता है उसको कहते हैं विंडफॉल। जैसे 2-3 बीघे जमीन थी और रास्ता उसका था नहीं, बहुत परेशानी थी, लेकिन पता लगा कि वो जमीन हाईवे उसमें से निकल गया, हाईवे निकला, अचानक से पैसा मिला, विंडफॉल हो गया, इसको विंडफॉल, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे भाग्य का अचानक से आ जाना, तो विंडफॉल हम उसको कहते हैं विंडफॉल। अच्छा विंडफॉल इसके साथ इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं, चारों आंसर की बात हम करेंगे। देखिए समझने की जरूरत है इसकी भी, विंडफॉल अचानक से अप्रत्याशित लाभ को कहते हैं, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिसीव्ड, रिसीव की स्पेलिंग बहुत आती है, RECEIVE, सी जहां भी वर्ड में CE आएगा समझ लीजिए ई आई और आई ई का ही चक्कर आएगा, IE आएगा या EI आएगा, याद रखेंगे CE वाले शब्दों में C के बाद E होगा, C के बाद E होगा और फिर I होगा, रिसीव कंसीव परसीव वगैरह वगैरह, रिसीव कंसीव परसीव रिसीट ये सब। तो अचानक से जो पैसा मिल जाता है उसको विंडफॉल कहते हैं। आगे जो वर्ड आया है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट के अंदर दो शब्द शामिल हैं, फिलो फिलेन जहां भी जुड़ जाएगा उसमें प्यार करने वाला, और एंथ्रोपी एंथ्रोप एंथ्रोपोस से बना है, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति, वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता है उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोप। परोपकार, द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड, गरीबों की या उन लोगों की हेल्प करना जो लोग नीड में है, आवश्यकता में है, स्पेशली बाय गिविंग मनी, खास तौर पर पैसा दे करके, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपी, उसके काम को फिलेंथ्रोपी कहते हैं, उस व्यक्ति को फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, याद रखेंगे इसका। इसके बाद बेनिवोलेंस, देखिए बेनिवोलेंस के अंदर भी दो बातें हैं, दो चीजें, बेनी देखिए बेनी और बोना, बेनी और बोना जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होगा गुड, अच्छा, कुछ अच्छे के भाव में होगा, बेनी मतलब अच्छा और वोलेंस का मतलब होता है सोचना, वोल वोलो सोचना, बेनी वोलेंस का मतलब है दूसरों के बारे में अच्छा सोचना या दूसरों के बारे में कुछ उपकार करने के बारे में सोचना, बेनिवोलेंस हो जाता है। एन इनक्लाइनेशन टू बी टू डू काइंड, इनक्लाइनेशन रुझान होना या झुकाव होना, किसी मतलब दूसरे व्यक्ति के प्रति काइंड दयालु होने की चाह रखना या झुकाव होना, या चैरिटेबल एक्ट्स या परोपकार के काम, चैरिटेबल का मतलब दान के काम, दान पुण्य के काम करने के लिए तैयार रहना, व्यक्ति होगा बेनिवोलेंट, उस व्यक्ति को बेनिवोलेंट बोलेंगे और उसके उस कार्य को बेनिवोलेंस कहेंगे। बेनी जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा अच्छा, जैसे एक वर्ड आया बोनाफाइड, PONAFIDE बोनाफाइड, तो बोनाफाइड का मतलब होता है वह व्यक्ति जिस पर आप बहुत भरोसा कर सके, बोना मतलब बैनी से बना, बैनी का मतलब होता है अच्छा यानी वेल, और फाइड फिडो जहां भी जुड़ जाएगा, फाइड फिडो जहां भी जुड़ जाएगा उसमें होगा विश्वास, विश्वास।
इस विश्वास से ही बना कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस के अंदर भी दो शब्द हैं, कन का मतलब साथ में और फिड फिड ऑफ फिडेंस का मतलब हो जाता है विश्वास करना। तो कॉन्फिडेंस हमारा विश्वास, भरोसा। बेनी बोनाफाइड का मतलब हो गया है विश्वास पात्र। बोनाफाइड का मतलब होता है विश्वास पात्र। अब एनसीसी वगैरह या एनएसएस वगैरह के कैंप के बाद, स्काउट वगैरह के कैंप के बाद एक चीज सामने आती है, लास्ट में बोर्डम दूर करने के लिए बोन फायर करते हैं। बोन फायर, बोन फायर का मतलब हो जाता है बोन फायर, बोन फायर का मतलब हो जाता है अच्छी आग। यानी बाद में क्या करते हैं, टेंशन को दूर करने के लिए, जितनी भी परेशानियां हुई हैं, जो कष्ट उठाए हैं, उन सबको दूर करने के लिए आग जला लेते हैं रात बीच में और सब साइड में उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और खूब मौज मस्ती गाना वगैरह गाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आग अच्छी आग का काम करती है। एक आग तो जला देती है घर, वो खतरनाक आग होगी, लेकिन ये बोन फायर मतलब अच्छी आग, ठीक है ना। और एक आग सात जन्म के बंधन भी बांध देती है, वो भी तो आग ही है, उसे बोन फायर कह सकते हैं। वैसे बोन फायर एक टर्म है जो एनसीसी एनएसएस वगैरह के, स्काउट वगैरह के कैंप के बाद एक साथ इकट्ठा हो करके मौज मस्ती करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए आग जलाई जाती है और चारों तरफ बैठ करके तापते हैं, मौज मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं वगैरह वगैरह। बोन फायर, बोन जिस शब्द में जुड़ जाएगा उसका मतलब होगा अच्छा। नया वर्ड आया हमारे सामने टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल टर्न स्टाइल, घूमने वाला दरवाजा। ए गेट एट द एंट्रेंस टू ए पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग के का एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर एक गेट। कैसा गेट, जो चारों तरफ घूम जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत तेज भागने वालों के लिए रोकने का काम करता है गोल, मतलब कुछ कुछ इस तरह का मैं बना रहा हूं टर्नस्टाइल, कुछ इस तरह का गेट होता है। ये गेट भी नहीं होता है, इस तरह के वो होता है, गोल सा होता है, वो घूम जाता है। उसको क्या, चलने के लिए उसको घुमाना पड़ता है, तब जाके आदमी आगे जाएगा, तो उसको टर्नस्टाइल कहते हैं। ये क्या, इंसान एकदम भाग नहीं पाएगा, घुसने के लिए उसको उसके फलक जो होते हैं घुमाना पड़ेगा उसको, ताकि वो अंदर जाए, तो उसको टर्नस्टाइल कहते हैं। घूमने वाला दरवाजे, गेट एट द एंट्रेंस टू ए पब्लिक बिल्डिंग या स्टेडियम वगैरह, दैट टर्न्स इन ए सर्कल, जो घूम जाता है सर्कल में, गोल घूम जाता है, व्हेन पुश्ड, जब उसको धकेला जाता है, अलाउइंग वन पर्सन टू गो थ्रू एट ए टाइम, ताकि वो अलाउ कर सके, यानी उसे घुमाया जाता है, दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, पुश धकेला जाता है, ताकि वो घूम जाए और एक आदमी एक ही बार में, एक ही आदमी वो अंदर चला जाए, उसके सारे अंदर चला जाए। टर्नस्टाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का है। देखिए एक तो सैलरी होती है और एक होती है ऊपर की आमदनी, और जो ऊपर की आमदनी जो होती है ये दो तरह की होती है। एक अच्छी आमदनी होती है कि आपकी, आपसे बॉस आपका बहुत खुश हुआ और बोनस के रूप में आपको कुछ दे दिया, तो वो होगी ऊपर की आमदनी, अच्छी अच्छे सेंस में। एक आमदनी ऊपर की वो होती है कि जो रिश्वत का काम, जिसको हुस्ट मनी भी कहते हैं, चुप मनी, चुप मनी, तो ये चुप मनी वो होती है, वो गलत
सेंस में होती है, हम बात कर रहे हैं एन इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। फिक्स्ड इनकम और सैलरी के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है अच्छे सेंस वाला, हम उसे कहते हैं परक्विजिट, हम उसे कहते हैं परक्विजिट। कहते हैं जैसे जॉब ऑफर्स होती है या जॉब के कोई निकलते हैं, जैसे फॉर्म निकलते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपके आपको 15,000 सैलरी है प्लस परक्विजिशंस भी हैं। परक्विजिशंस मतलब एक्स्ट्रा ऊपर के पैसे भी हैं, आप कहीं जाएंगे या TA DA वगैरह के रूप में आपको इस तरह से पैसा मिल जाएगा इस तरह का। अब देखिए बहुत बढ़िया चारों वर्ड है, इसको हम पढ़ेंगे आंसर में। जी देखिए परक्विजिट यानी ऊपरी फायदा, अतिरिक्त उपार्जन, इसे हम पर्क कहते हैं, पर्क, PERK, पर्क। पर्क एक चॉकलेट भी होती है, वो नहीं है, ये एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इनकम, ये अच्छे सेंस में है, ये रिश्वत नहीं है, आपके अच्छे काम से खुश होकर के आपका बॉस आपको देता है पर्क, उसको पर्क कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम को। इसका दूसरा नाम हम फ्रिंज बेनिफिट भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड इंसिडेंटल बेनिफिट, अचानक से जो बेनिफिट दिए जाए, अवार्डेड, जो अवार्ड के रूप में बेनिफिट दिए जाए फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, खास एम्प्लॉयमेंट के टाइप में, किसी खास काम के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए हम उसको परक्विजिट कहते हैं। परक्विजिट यानी पर्क या फ्रिंज बेनिफिट या एक्स्ट्रा बेनिफिट या इंसिडेंटल बेनिफिट, इसे हम कहते हैं। ये ब्राइब इसके से अलग है, ब्राइब BRIBE, ये रिश्वत से अलग है, रिश्वत एक गलत चीज है, इसे हम हुज्ड मनी भी कहते हैं, HUSHED, हुज्ड मनी यानी शांत पैसा, चुप पैसा, हुज्ड मनी। नया वर्ड है हमारा ओनोरेरियम, ओनोरेरियम होता है हमारा मानदेय, इसे हम कहते हैं मानदेय। मानदेय क्या होता है, मानदेय उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी, जिसका जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स यानी वह व्यक्ति जो पैसे के लिए काम नहीं करता है बल्कि उसको, वो समाज सेवा कर रहा है लेकिन उसको मानदेय, उसको मान रखने के लिए जो कुछ दे दिया जाता है उसका मानदेय कहलाता है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम यानी क्या होता है, ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, किसी व्यक्ति की पेशेवर कार्यों के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, नॉमिनली फ्री सर्विस यानी कोई व्यक्ति अपनी सर्विस फ्री दे रहा है, मैं बिना पैसे कार्य कर रहा हूं, उस व्यक्ति को जो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाए मानदेय के रूप में, मानदेय उसका मान रखने के लिए उसको दे दिया जाए, उसको कहते हैं ऑनोरेरियम। यहां पर हम एक और वर्ड पढ़ते चले, ऑनोरेरी, HONORARY, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी ऐसी जॉब होती है जो दैट इज डन फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, ऑनोरेरी उस व्यक्ति को कहेंगे, उस जॉब को कहेंगे, द जॉब दैट इज डन फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं बल्कि केवल मौज आनंद के लिए जो आदमी कार्य करे उसको ऑनोरेरी, ऑनोरेरी पोस्ट उसकी होती है, वो ऑनोरेरी जॉब होती है, वो सिर्फ उसके ऑनर में होती है, ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, केवल सम्मान में होती है, वो अपने मान के लिए, मान सम्मान के लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन उसको बदले में यदि कोई कुछ मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, पेमेंट मिल जाए तो उसके, उसका मान रखने के लिए वो देय हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मानदेय, ऑनोरेरी, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम वो पेमेंट और ऑनोरेरी ये एडजेक्टिव है, ऐसी, ऐसा कोई कार्य। बहुत सारे लोगों को मानद उपाधि दी जाती है, मानद उपाधि, मानद उपाधि,
मानद उपाधि का मतलब हो जाता है ऑनोरेरी डिग्री। अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने आर्ट लिटरेचर आर्ट के क्षेत्र में ऑनरेरी डिग्री दी, पीएचडी दी, फिलोसफी डॉक्टर फिलोसफी दी। इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर डॉक्टर लगाने लगे, डॉक्टर अमिताभ बच्चन, नहीं, पर उनको एक उनके सम्मान में पीएचडी की डिग्री दे दी। ऐसा नहीं है कि उस पीएचडी के सहारे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने लगे, वो खाली खुश होने की डिग्री है। ऑनोरेरी यानी मान सम्मान में दी गई डिग्री ऑनरेरी डिग्री कहलाती है। होप यू अंडरस्टैंड, ऑनरेरी भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनेक्योर, SINECUR। एक होता साइनेश्योर, साइनेश्योर का मतलब होता है सेंटर फॉर अट्रैक्शन, सेंटर फॉर अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, शाइन श्योर, और यह है सिनेक्योर, SINECUR। सिनेक्योर का मतलब हो जाता है ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क। सिनेक्योर का मतलब एक ऐसी जॉब जो आपको दी जाती है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा होती है, काम कम सैलरी ज्यादा, काम कम सैलरी ज्यादा, तो वो होती है हमारी सिनेक्योर। और साइनेश्योर सेंटर फॉर अट्रैक्शन। नेक्स्ट एक और वर्ड आया हमारा प्रीरोगेटिव। क्या होता है प्रीरोगेटिव? खास हक को कहते हैं, खास हक को कहते हैं, यानी विशेष शक्ति को कहते हैं, खास हक ये विशेष शक्ति। प्रीरोगेटिव क्या होता है? राइट या एडवांटेज, अधिकार या विशेष अधिकार, एडवांटेज फायदा, एडवांटेज फायदा, बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो या ग्रुप से संबंधित हो, बिकॉज ऑफ हिज इंपॉर्टेंस इन सोशल पोजिशन, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी सामाजिक उसकी इम्पोर्टेंस, वो आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी महत्व की वजह से जो एक्स्ट्रा विशेष अधिकार उसे दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीरोगेटिव। क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ खास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ खास, उनके लिए कुर्सियां डाली जाती हैं, खास कुर्सियां डाली जाती हैं, तो वो कुर्सियां उनके लिए प्रीरोगेटिव्स का इस्तेमाल के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आया है 36 पर, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। एक खास जगह के एनिमल्स को, जानवरों को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, देखिए फोना और फ्लावर, फोना और फ्लोरा, ये दो वर्ड जरूर याद रखेंगे। आंसर पे आ रहा हूं मैं, फोना और फ्लोरा, ये दो तरह के वर्ड आप याद रखेंगे। फोना कहते हैं हम एनिमल किंगडम को, एनिमल किंगडम को हम फोना कहते हैं, और फ्लोरा नीचे आ गया, देखिए फ्लोरा कहते हैं हम वनस्पति किंगडम को, प्लांट किंगडम को, ये जितनी भी हरियाली होगी, हरियाली से संबंधित जितने भी पेड़ पौधे वगैरह होंगे, ये पूरी किंगडम होगी हमारी फ्लोरा में आ जाएगी। इधर फ्लावर से याद रखेंगे इसको, इधर फ्लावर होता है फूल, याद रखेंगे फ्लोरा। जैसे हम कह दें कि इस क्षेत्र की जो फ्लोरा है वो बहुत आकर्षक है, इसका मतलब यहाँ की जो वनस्पति है बहुत अच्छी है, और इस क्षेत्र के जो फोना है वो बहुत खतरनाक है या बहुत बेकार है, तो इसका मतलब है यहाँ के जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम है, वो बेकार। ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एक खास इतिहास में, यानी आज के जमाने में या किसी जमाने में
सामने आने वाली या देखी जाने वाली एनिमल लिविंग, जो भी जितने भी जिंदा एनिमल्स हैं, जैसे किसी जमाने में डायनासोर्स रहते थे तो उस जमाने के फोना में थे वो डायनासोर, फोना के अंदर हो गया संपूर्ण एनिमल किंगडम, और फ्लोरा संपूर्ण प्लांट किंगडम। द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एक जगह के किसी खास जगह के प्लांट्स को हम फ्लोरा कहेंगे। टाइप ऑफ एनवायरमेंट और पीरियड ऑफ टाइम, एक खास जगह एक खास एनवायरमेंट में देखी जाने वाली विषय वनस्पति को हम कहेंगे फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड हमारा इस क्रम में बहुत अच्छा है, म्यूजियम की स्पेलिंग आ जाती है MUSE, पूरा है MUSE, म्यूज और UM, म्यूजियम। क्या होता है? संग्रहालय होता है। ए बिल्डिंग इन विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर ऐसी चीजें रखी जाती है जो आर्टिस्टिक, कलाकारी से संबंधित, कल्चरल संस्कृति से संबंधित, हिस्टोरिकल इतिहास से संबंधित, या साइंटिफिक या विज्ञान से संबंधित इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होती है, आर कैप्ट एंड शोन टू द पब्लिक, वो रखी जाती है, दिखाई जाती है पब्लिक, यानी संग्रहालय इसे हम हिंदी में कहते हैं। जू, जू होता है हमारा चिड़ियाघर, ए प्लेस वेयर मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट फॉर पब्लिक टू सी एंड वेयर दे आर स्टडीड ब्रेड एंड प्रोटेक्टेड, वो जगह जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है पब्लिक को दिखाने के लिए, वहीं पर वे स्टडीड, उनकी स्टडी होती है, उन पर अध्ययन किया जाता है, ब्रेड, वहीं पर उनको उनकी नस्ल बढ़ाई जाती है, एंड प्रोटेक्टेड, और वहीं पर उनकी रक्षा की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं हम जू। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखते जाएं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे इस क्रम में आ रहे हैं idioms एंड phrases से, और इस साल idioms और phrases को कोर्स से हटा दिया गया है TGT के, PGT में idioms एंड phrases आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन यदि आ जाए और आप तैयारी ना करें या आप लापरवाही समझे, हाँ बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित है सारी चीजें, इसलिए आपको कम से कम बेसिक तो आना ही चाहिए, और ये बेसिक में ही आता है, तो हम बताएं अगर बेसिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही सेंटेंस है, द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड, मैनेजर को डिसमिस नहीं किया गया, किया जाता आया किया गया, बट ही इज डेफिनेटली अंडर ए क्लाउड, लेकिन वो निश्चित रूप से अंडर ए क्लाउड है। कभी कभी ऐसा होता है idioms का आइडिया लगाया जा सकता है चार ऑप्शन से, और कभी कभी बिल्कुल उल्टा लगता है, हमें थोड़ा सा इसको बस समझने की आवश्यकता है, बड़े आसानी से इसको याद किया जा सकता है, लेकिन आप एग्जाम LT ग्रेड का इसके बाद तुरंत भी होगा, और इससे पहले भी हो जाए, उसमें ये सब चीजें आने वाली, उसमें कुछ भी छूटा नहीं। तो इंग्लिश की कोई भी चीज ये मत सोच के तैयार करना कि ये कोर्स में है या ये TGT में है या ये PGT में है, हर चीज आपकी इंग्लिश से संबंधित जो भी है वो आपकी सिलेबस में, सीधी बात। अंडर क्लाउड, मैंने को डिसमिस नहीं किया गया, बल्कि वो निश्चित रूप से वो क्लाउड के अंदर है, नीचे है, यानी बादलों में ढका हुआ है, बादल यानी अंडर सस्पेंशन है, यानी सस्पेंशन में है वो, या सस्पिशन में है, देखिए सस्पेंशन का मतलब हो गया सस्पेंड, उसको कर दिया गया, अंडर सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब होता है वो संदेह में है, संदेह के घेरे में है, जल्दबाजी में गलत मत करना, अंडर स्क्रूटनी, उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल की जा रही है, हाई स्कूल इंटर में या BA वगैरह में एक आध नंबर कम हो जाता है या कोई फेल हो जाता था, पहले कभी होता था 1-2 नंबर से फेल हो जाता था तो उसको आश्वासन दिया जाता था, कोई बात नहीं स्क्रूटनी भर दो, स्क्रूटनी में हो सकता तुम्हारी 2-4 नंबर बढ़ जाए कोई क्वेश्चन, क्योंकि जो भी फेल हो जाया करता था वो ये जरूर कहता था हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया लेकिन पता नहीं फेल क्यों हो गए, तो उसका
ढांढस इसलिए ये कह के बंधाया जाता था कि कोई बात नहीं, तुम तो होशियार तो हुई, स्क्रूटनी भर देंगे तुम्हारी और स्क्रूटनी में हो सकता है तुम पास हो जाओ, तो थोड़ा सा दिल हल्का उसका हो जाया करता था। हाँ ये बात ध्यान रखेंगे, सस्पेंशन का मतलब है कि उसको सस्पेंड, सस्पेंड के उसमें संदेह में, सस्पेंड सस्पेंड पोजीशन में है वो, सस्पेंशन, सस्पिशियन संदेह में, अंडर क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, संदेह के घेरे में यानी डाउटफुल कंडीशन में, यानी उसको सस्पेक्ट किया जा रहा है भाई, उसको डिसमिस नहीं किया गया। देखिए आप तो कभी लगा सकते हैं, मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड, मैनेजर को नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि ही इज डेफिनेटली अंडर अंडर ए क्लाउड, या निश्चित रूप से वो क्लाउड के घेरे में, मतलब बादल मंडरा रहे हैं उस पर, किस चीज के संदेह में है ना, वो बादलों में घिरा हुआ है यानी संदेह में, क्योंकि डिसमिस नहीं किया गया इसका मतलब सस्पेंड भी नहीं किया। तो सस्पेंड और याद रखेंगे तुक्के वाली बात, जब दो ऑप्शन हमारे एक जैसे ही हों, दो ऑप्शन देखने वाले में एक जैसे हों या भाव में एक जैसे हों, तो संभवतः ए और बी में से यानी दो ऑप्शन में से तुक्का जरूर वहीं लगाना, बिल्कुल अलग कोई ऑप्शन हो तो उस पर मत जाना, जो दो ऑप्शन एक जैसे ही हों, एक बिरादरी के हों, एक ही राइटर के हों, या एक ही पोएम के हों, एक एक ही जगह यानी किसी न किसी रूप में एक जैसे चिपके हुए हों, जुड़े हुए हों, तो तुक्का लगाना हो तो एक जैसे लगाना, ये ध्यान रखना, सस्पिशियन सस्पेंशन एक जैसे लग रहा है क्योंकि कोई धीरे से बोलता है इसका है, तो जो सुनने वाला वो सोचता है सस्पेंशन बना रहा दिख रहा है, सस्पेंशन बना रहा, तो कौन सा सस्पेंस समझ में ना आ रहा, ऐसे होता है। तो ज्यादातर तुक्के वाली बात है ना, एक जैसे दिखने वाले दो ऑप्शन में तुक्का लगाना चाहिए, तो अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन संदेह के घेरे में, याद रखेंगे। डू नॉट पुल ए लॉन्ग फेस, देखिए पुल ए लॉन्ग फेस, फेस हमारा सीधा है बिल्कुल, और फिर हमने लॉन्ग कर दिया, खींच दिया उसको, खींच दिया उसको ऐसे करके, दिखाई दे रहा है ना, तो पुल ए लॉन्ग फेस मतलब लुक अगली, भद्दा दिखना, या लुक टायर्ड, थका हुआ दिखना, जब आदमी का जवानी थक जाता है तो उसका चेहरा लंबा थोड़ी होता है, तो पक्का तो ये तो टायर्ड तो होगा नहीं। लुक हैप्पी, क्या वो खुश होगा, अपने चेहरे को खींच रहा हो तो खुशी से खींचेगा नहीं, तो संभवतः ये भी नहीं होगा। लुक डिजेक्टेड, या तो लुक डिजेक्टेड या लुक अगली, दोनों में से एक सही। पुल खींचना, अपना लंबा, अपना चेहरा लंबा खींचना तो गंदा दिखना, या लुक डिजेक्टेड, इसमें हम डिजेक्टेड वाला हमारा सही है, क्योंकि डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या निराश, निराश। अब देखिए, हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी, आप कौन आपकी कॉक और बुल, कॉक और बुल मुर्गे और सांड की कहानी को पर विश्वास करेगा, मुर्गे और सांड की कहानी यानी आप फ्रेश स्टोरी छाप रहे हैं तुरंत, भाई बुल की सांड की कहानी अगर किसी इंसान और सांड की कहानी हो तो समझ में आती है, सांड और गाय की कहानी हो तो सामने आती है उसकी बिरादरी की बात है, गाय और भैंस की बात हो तो समझ में आती है बिरादरी की बात है, लेकिन कॉक मुर्गा और बुल, सांड मुर्गे और बुल की कहां दोस्ती उस्ती हो सकती है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ऐसी कहानी एकदम बेतुकी कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी देखिए तो कई देख लेंगे आप, एम्बिगुअस स्टोरी, एम्बिगुअस का मतलब होता है जो समझ में ना आए, एम्बिगुअस गूढ़ जो समझ में ना आए, एब्सर्ड बेतुकी, ऑथेंटिक बिल्कुल
बिल्कुल पक्की, मानक, प्रमाणिक। तो प्रमाणिक तो पक्का होगा नहीं, ये तो जिंदा गलत हो सकता है। कॉक और बुल की स्टोरी तो प्रमाणिक हो नहीं सकती। कॉमन स्टोरी, कॉक और बुल की कहानी भी आमतौर पर नहीं होती है। आमतौर पर जो कहानी होती है वो कहानी होती है कि एक राजा था, उसके चार रानियां थी। जंगल में एक बुढ़िया, जंगल में एक शेर रहता था। इसकी कहानी नॉर्मल होती है। या एक किसान था, उसके चार बेटे थे। ये नॉर्मल कहानी, कॉमन कहानी है। लेकिन हम बात करें कोक और बुल की कहानी, तो ये नॉर्मल कहानी तो है नहीं, दो तो ये गलत ही है। यहां पर आते हैं एम्बिगुअस स्टोरी, जो समझ में ना आए ये हो सकती है इसका आंसर। एब्सर्ड स्टोरी, ये बेतुकी कहानी। तो इन दोनों में कौन सा बेहतर लग रहा है? बेतुकी कहानी ज्यादा बेहतर लग रही है, तो हम सी के साथ जाए। तो कभी कभी ऐसा होगा, याद नहीं भी होगा ऑप्शन, तो भी हम फिट बना सकते हैं सेंटेंस को। तो कभी सही उसी व्यक्ति का जाता है जिसने किताबें पढ़ रखी हैं। जिसने किताबें नहीं पढ़ रखी वो तो उसका तुक्का सही नहीं लगता है। तो कभी ध्यान से लगाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, फॉर इयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे। उस दिन का जो मेरे दिन जहन में ट्रॉमा था, वो जो आघात मेरे मन में था, जो अटैक, जो परेशानी, जो टेंशन उस दिन से संबंधित मेरे दिमाग में थी, उस टेंशन को मैं शेक ऑफ नहीं कर सका, साफ नहीं कर सका, झाड़ नहीं सका। देखिए जिस भी शब्द में ऑफ आ जाएगा, ऑफ, इस ऑफ का मतलब है दूर करना। अब देखिए दूर करने के लिए क्या इमेजिन, इमेजिन तो नहीं हो सकता, कल्पना करना ये तो होगा ही नहीं। रिमेंबर, दूर करने का भाव तो नहीं, ये भी याद करना हो गया, यानी इनके सेंस में आया है, रिमेंबर भी नहीं होगा। फॉरगेट का मतलब होगा भूलना, भूलना का मतलब भुला देना, यानी ये कुछ दूर करने का भाव हो रहा है। तो शेक ऑफ का मतलब हो जाता है भुला देना। For years I could not shake off the trauma of that day. उस दिन के उस आघात को बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, for years, सालों तक मैं ना भुला सका। Shake off का मतलब हो जाता है भुला देना या दूर करना या अपने आप को उस ट्रॉमा से झाड़ लेना। Shake का मतलब हिलाना, और हिलाना उसके बाद ऑफ, हिला करके कि जिसको दूर कर देना। कपड़े झाड़ने के लिए हम शेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े झाड़ना। तो कपड़े झाड़ने का मतलब ये तो हो गया कि जो गंदगी कपड़ों पे लगी हुई उसको दूर कर दिया। अब यहां पर कपड़े झाड़ने का भाव तो है नहीं, यहां ट्रॉमा को झाड़ना है अपनी बॉडी से। ट्रॉमा, ट्रॉमा की स्पेलिंग आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41, सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब चार दीवारी, मुंडेर पर बैठना। मुंडेर पर बैठना, मुंडेर पर बैठने का मतलब ये हो गया कि ना तो इधर की बात कहना ना उधर की बात कहना, बीच में बैठे जी, ना तो तुम्हारे बुरे ना तुम्हारे बुरे। यानी क्या मतलब होता है सिट पर बैठने के लिए, सिट पर नहीं, फेंस पर बैठना के लिए, टू बी इन ए ट्रिकी सिचुएशन। देखिए ट्रिकी सिचुएशन में तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रिकी सिचुएशन ऐसी होगी नहीं कि वो दीवार पर बैठेगा आदमी, ये तो गिर जाएगा, दीवार पर बैठेगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं इसमें। दूसरा है टू बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। देखिए कंफर्टेबल का, एक दीवार पर बैठने में, चार दीवारी पर बैठने में क्या आदमी कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं, वहां नींद के लिए और सोने के लिए नहीं बैठेगा। अगर यहां सोचेगा कि वहां मुझे आराम मिलेगा, दीवार पर बैठने में आराम मिलेगा, तो वो गलत समझ रहा है। तो ये भी हमारा संभवतः गलत है। थर्ड है हमारा हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन। हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन का मतलब है दो रायों के बीच में रुकना। दो राय, ना इधर की ना उधर की, बीच में रुके पड़े हम, तो संभवतः यह हो सकता है। फोर हो सकता, फोर देख लेते हैं, टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड, हार जाना और बहुत ही उदास महसूस करना। जब आदमी हार जाएगा, निराश होगा, तो क्या वो
दीवार पे जाके बैठेगा? नहीं, पेड़ के नीचे बैठेगा या तो, या बिस्तर पर लेटेगा बहुत टेंशन में, ठीक है ना, या पत्नी के पास जाके उसको छेदेगा, क्योंकि हर जो गुस्सा है वो कहाँ कहाँ उतरेगा, घर पे उतरेगा, जिसकी बाहर नहीं चलती है उनकी घर चलती है, और जिनकी घर नहीं चलती वो बाहर वालों से जड़ता रहता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये डिफीटेड और डिजेक्टेड ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इसका सी हमारा सही है, हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस। 41 हमारे आज हो चुके हैं, पर आज हम 41 तक ही रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए इस सीरीज।